फिर लड़का झाँक कैला का जरूरी झाँके पावता है नहीं ना झाँके ना भाई इंक्वायरी हो हमें का जानी का झाँकता है जितना चढ़ा वही छते पर जमनी चढ़ा हुए वही इंक्वायरी हो सकना फायदा का मोहनगंज में यहाँ पर चार लोगों के मृतक लोग मिले हैं उनकी लाश मिली है घर के अंदर चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया दिखाई दे रहा है गहरी चोट के गंभीर चोट के निशान है इन सभी लोगों को देखा गया तीन लोगों के बाहर वाले बरामदे में है और एक जो लड़की है उसके घर के अंदर है तो इन सभी लोगों के आज सुबह ही पता चला हमें सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यहाँ पर आई है और इसके बाद से जो मृतक लोग हैं उनकी पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और किन कारणों से किस तरह से हुई है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आएगी इसके अलावा जो सूचना मिली है जैसा कि परिवार के जनों द्वारा बताया गया और हमने भी रिपोर्ट में देखा है कि 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC ST के केस लिखवाया है वो केस देखा गया है उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत कठोर कार्रवाई करेंगे संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्द ही किया जाएगा चार लोग जो मरे हैं क्या उम्र होगी कौन कौन लोग हैं 50 वर्ष के आसपास हैं जो घर के मालिक हैं और उनकी पत्नी है जिनकी उम्र लगभग 45 साल है और एक बच्ची है जो 17 साल की है एक लड़का है जो लगभग 13 साल का कुछ वजह पता चल चुकी है इस घटना के कारणों के बारे में थोड़ा समय दीजिए हम लोग करके बताएंगे पुलिस कर्मियों को कुछ कार्रवाई वैसे बता रहे हैं फिर लड़का झाँक कैला का जरूरी झाँके पावता है नहीं ना झाँके ना भाई इंक्वायरी हो हमें का जानी का झाँकता है जितना चढ़ा वही छते पर जमनी चढ़ा हुए इंक्वायरी हो सकना फायदा का